हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक फॉर यू। आज मैं इस वीडियो में बनाने जा रही हूँ आटा टाकोस, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। मैंने यहाँ 3 कप आटा लिया है, उबले हुए आलू, कटी हुई प्याज, शेजवान चटनी, टोमेटो सॉस, चिली फ्लेक्स, धनिया पत्ती, चीज़, रिफाइंड ऑयल, सॉल्ट, चीज़ स्प्रेड और वाटर। पहले आटे में हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे एज पर टेस्ट, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। देखिए हमारा डो अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम इधर कढ़ाई चढ़ाते हैं और इसमें तेल डालते हैं। हमारा तेल इधर गर्म हो रहा है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। इधर देखिए तब तक हम और उबले हुए आलूओं को मैश कर देंगे। अच्छे से मैश करेंगे, कोई भी लम्स नहीं आए। देखिए हमारा आलू मैश हो गया है, अब इधर प्याज भी मेरा लाल हो गया है। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे धीमी आंच पे। इधर हम मैश किए हुए आलू में 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। कटी हुई धनिया की पत्ती, सॉल्ट एज पर टेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बराबर से पूरा मिक्स कर लेंगे। इसी में भुने हुए जो प्याज है हमारे, उसको हम इसी में मिक्स कर देंगे। ठंडा होने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे पूरा अच्छे से। देखिए ये हमारा मिक्सचर रेडी है। तब तक हम देखिए मेरा आटा भी सॉफ्ट हो गया, अच्छे से सेट हो गया है। अब इधर हम इसकी छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे एक बराबर के। ये देखिए हमारे बॉल्स, अब इसी को हम रोल बनाएंगे, रोल करके रखेंगे सारे बॉल्स को बराबर से। देखिए इस तरह से हम रोल करेंगे, इसी तरह से सारे रोल्स हम बना लेंगे। देखिए हमने रोल बना लिए हैं सारे। अब एक रोल लेंगे, उसमें सूखा आटा लगा करके इसको अच्छे से रोटी के तरीके बेलेंगे गोल गोल। देखिए हमारी रोटी बेल रही है, सूखा आटा लगा, दोबारा भी सूखा आटा लगा सकते हैं फिर बेल सकते हैं। देखिए हमारी एकदम गोल रोटी तैयार है। इसी तरीके से हम सारी बेल लेंगे। देखिए हमारी सारी बेल गई है। अब इसको हम तवा चढ़ा करके गरम होने देंगे, उस पर हम इसको रोटी की तरीके हल्का सेकेंगे बिल्कुल। सारी एक साथ जितनी एक बार में आ जाए, आपका तवा जैसा है, जिस तरह से है, छोटा है बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है सेक सकते हैं रोटी को। हमने यहाँ 3 रोटी एक साथ बनाई है, इसको पलट पलट के घुमा घुमा के सॉफ्ट एकदम सेकेंगे, हल्का सा बिल्कुल ब्राउन। बस देखिए पलट पलट के सेक रहे हैं। इस तरह से हमारी रोटी सिक चुकी है। देखिए सब रोटियां ऐसी सिक गई हैं। अब पहली रोटी लेंगे और उसमें हम शेजवान सॉस डालेंगे, लगाएंगे, स्प्रेड कर लेंगे पूरी तरीके से चारों तरफ। और उसके बाद 1 स्पून टोमेटो सॉस भी इसी में लगा देंगे। देखिए इसको भी स्प्रेड कर लेंगे। फिर चीज़,
थोड़ी सी डालेंगे इसके ऊपर, और इसी में ही जो हमने आलू की फिलिंग बनाई थी उसको हम स्प्रेड कर लेंगे ये बराबर से। अब दूसरी रोटी लेंगे और उसमें चीज़ स्प्रेड को ऐसे ही लगा लेंगे घुमा घुमा के पूरे में। देखिए हमारी ये लग गई है, स्प्रेड हो गई है चीज़, अच्छे से लगाइएगा। अब इस रोटी को पहली वाली रोटी पे पलट के रख देंगे ऐसे। इसी तरह से हम सारी रोटियां बना लेंगे। देखिए अब इधर हम तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको एक एक करके सारी सेक देंगे, जितनी एक बार में सिक जाए अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इसको हम पलट पलट के दोनों तरफ सेक लेंगे। देखिए हमारी कितनी अच्छे से ब्राउन हो गई एक तरफ, और दूसरी तरफ भी ऐसी सेक लेंगे। देखिए हमारी ये तैयार है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे प्लेट में। ये देखिए अब इसको हम निकाल लिया हमने से, और इसको हम पिज़्ज़ा कटर या किसी भी नाइफ से कट कर सकते हैं। देखिए हमारा ये कट हो गया है, देखिए कितना अच्छा हुआ है ये स्टफिंग। देखिए ये हमारा तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।